एग्रीकल्चर ट्राइज प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ग्रो कर सकते हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं। दिस वे आपके सामने अगर बुक है तो उसमें तीन चीजें हम एक साथ कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं। द फर्स्ट वन, द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज नोमैडिक हर्डिंग। कितने लोग हो चुके हैं? ओके, बीच में असल में एक डिस्कनेक्ट हो गया था तो थोड़ा टाइम लग गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। ओके, पेज 48 पर आप देखिएगा नोमैडिक हर्डिंग। मैं बहुत ब्रीफ करके शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कल इसको फाइनल कर लेंगे। नोमैडिक हर्डिंग, अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नोमैड्स कहते हैं द पीपल विदाउट परमानेंट होम्स। नोमैड्स आर द पीपल, दे हैव नो परमानेंट सेटलमेंट। हर्ड कहते हैं जानवरों के, मवेशियों के, रेवड़ को, जिन्हें हम अपने सामान में लेते हैं। नोमैडिक हर्डिंग मीन्स अ टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसमें जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं वो ऐसे रीजन्स में जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जहाँ प्रॉपर खेती बाड़ी नहीं होती, वो जानवर पालते हैं और इन जानवरों के साथ मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर कहते हैं वो जगह जहाँ पे कुछ इनको जानवरों को खाने पीने की जगह मिल जाती है, मिडोज जिसको हम कहते हैं, मिडोज या पास्चर के लिए वो घूमते रहते हैं। और इस चीज को हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। दिस इज द पोरेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। देन रखिए, ये डेवलप कंट्रीज में नहीं होती, गरीब ममालिक के वो इलाके जहां पर हमारे पास किसी और एक्टिविटी को करने का ऑप्शन नहीं है, लाइक इन पाकिस्तान जो थर का इलाका है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर जारी खेती बाड़ी की फैसिलिटीज नहीं है कि कुछ और कर सकें, यहाँ के लोग जानवर पालते हैं। इसी तरह से अपर एरिया में, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और जब मैं साल, तो खैर टाइम ऐसा हो गया, हम जब जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में तो नारान से आगे बड़े बड़े मीडोज हैं, बहुत बड़े बड़े यानी ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रास की फील्ड्स हैं, तो लोग अपने जानवर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और 5-6 महीने तक वो जानवर वहां पर जो है उन ग्रासेस में उनको खाना और पानी मिलता रहता है, वो वहां पर इजी मूव करते हैं और उनकी जो ग्रोथ है बड़ी स्ट्रांग होती है। और उसके बाद जैसे ही मौसम टफ के लास्ट में, जब अब लगता है कि बारिशें खत्म होंगी या फिर उसके बाद जो है बर्फबारी शुरू हो जाएगी, मौसम टफ हो जाएगा, तो वो अपने जानवरों के साथ वहां से निकल के दूसरी तरफ आ जाते हैं, नीचे इलाकों में उतर आते हैं अहमदाबाद और बाकी इलाकों में, और फिर वहां पे किसी और जगह पर जानवरों के साथ रहते हैं। ये क्या था नोमैडिक हर्डिंग। आई एम रिपीटिंग इन शॉर्ट, नोमैडिक हर्डिंग उस टाइप की एग्रीकल्चर है कि जिसमें लोग एक ग्रुप ऑफ जानवर को, उसको हर्ड कहते हैं, उसको पालते हैं और उन जानवरों के लिए जो चारा है जिसको हम फॉडर कहते हैं, उनकी जो खुराक है उसके लिए वो घूमते रहते हैं कि कहीं भी उनको किसी जगह पे घास फूस मिल जाए। आपने देखा वो छोटे मोटे, कहीं आपने कुछ ऐसे हर्ड्स कराची में भी देखे होंगे, वो क्या करते हैं मुख्तलिफ जो गार्बेज हाउस है या कचरा कुंडियों में जाके वो जो आमतौर बकरियों के और शीप्स के हवाने में आपको नजर आ जाएंगे। तो ये सब जो है इस तरह से अपनी चीजों को कवर करते हैं, लेकिन इन द होल वर्ल्ड ये एक्टिविटी गरीब इलाकों में हो रही है। अच्छा, हम दो चीजें ध्यान में रखें, जितनी भी टाइप्स की एक्टिविटीज है हम ये जरूर देखेंगे किन इलाकों में हो रही है, डेवलप और डेवलपिंग का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी किस इलाके में हो रही है। ठीक है, ये
ये भी हम देखते रोमैटिक हर्डिंग पहली टाइप। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं, दूसरी चीज हमारे पास वो है लाइव स्टॉक रैंचिंग। लाइव स्टॉक पर एक अभी एक लफ्ज बन गया था, चेंजेस आ रहे हैं काफी ज्यादा। लाइव स्टॉक नाउ सिंगल हुआ। Anybody tell me what is livestock? Shabash. ये बताएगा आप में से कि livestock क्या होता है? Yes. आप में से कोई भी मुझे बताएगा what is livestock? किसी को जवाब आता है yes or no? नो नो चलिए जिसकी तरफ से नो आ गया वो तो उसको तो नो है। और चलिए डोमेस्टिक एनिमल जो एग्रीकल्चर में यूज होता है लाइव स्टॉक। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने, सिर्फ एग्रीकल्चर ना कहें हम लाइव स्टॉक कहते हैं ऐसे जानवरों को पालना जो किसी ना किसी तरह हमारे काम में आए, यानी वो जानवर लाइक शीप गोट्स काउस बुफेलोस इनकी जो ग्रोथ है इनको जो है इसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक, यानी वो जानवर जो हमारे काम के उनके पालने को हम लाइव स्टॉक कहते हैं राइट। तो लाइव स्टॉक रैंचिंग, रेंज बेसिकली उस बड़ी फील्ड को कहते हैं जहां पर इन जानवरों को हम पालते हैं। रिमेंबर वन, लाइव स्टॉक रेंचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ऐसे रिमोट एरियाज, रिमोट मीन्स दूर दराज का, ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर किसी और तरह की एक्टिविटी को करना टफ है मुश्किल है कॉस्ट बेयरिंग नहीं होगा, तो वहां हम क्या करते हैं वहां लाइव